दोस्तों हाल ही में अभी नोट 8 लॉन्च हुआ है, तो अभी र्यूमर्स आए हैं S9 और S9 प्लस के बारे में, जो ऐसे ही इसका एक फ्लैगशिप फोन होने वाला है। अभी हाल ही में S8 S8 प्लस भी लॉन्च हुआ था, अब S9 और S9 प्लस के र्यूमर्स आ रहे हैं कि वो जनवरी में लॉन्च हो सकते हैं और जल्दी हो सकते हैं। तो आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपको बताता हूँ S9 S9 प्लस में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या र्यूमर स्पेसिफिकेशंस हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अमित ने JSM Pro को खरीदा है, तो आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो मिलने वाली है JSM Pro की जल्दी। तो चलिए अभी बात करते हैं S9 और S9 Plus के बारे में। दोस्तों S9 में आपको वैसे ही इन्फिनिटी डिस्प्ले मिलेगा जैसे आपको S8 और S8 Plus में मिला था, और ये सिग्नेचर बन गया है अभी S सीरीज का। तो आपको इसमें इम्प्रूव्ड इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने को मिला है। र्यूमर्ड स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो आपको इसमें स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर देखने को मिला है। इंडियन मार्केट में देखते हैं कौन सा प्रोसेसर मिलेगा, पर आपको स्नैपड्रैगन का 845 मिलेगा। आपको S9 में 4 GB की रैम मिलने वाली है, शायद 6 GB वेरियंट वाले भी S9 Plus निकलने वाला है। और ये फोन अब जनवरी में लॉन्च होने वाला है क्योंकि नवंबर में सैमसंग अपने OLED पैनल्स को शिप करने वाला है, OLED पैनल्स को मंगवाने वाला है। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन S9 S9 Plus का जल्दी होने वाला है। इसके लिए आपको जनवरी में फोन दिखने वाला है और आपको बहुत ही अच्छी इसमें डिजाइन देखने को मिलेगी। और S9 S सीरीज का एक पहला फोन होगा जिसमें आपको ड्यूल रियर कैमरास देखने को मिलेगी। आपको नोट 8 में ड्यूल रियर कैमरास देखने को मिलती है, तो अभी S9 और S9 Plus में भी इम्प्रूव्ड ड्यूल रियर कैमरास आपको देखने को मिलने वाले हैं। और यही कुछ स्पेसिफिकेशन थी और कुछ र्यूमर्ड हम लोग जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं S9 और S9 Plus में। आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले इम्प्रूव मिलेगा, ड्यूल रियर कैमरास मिलेगा, और एक सबसे बड़ा र्यूमर ये है कि आपको S9 S9 Plus में अंडर डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है। डिस्प्ले के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। ये टेक्नोलॉजी वीवो और क्वालकॉम ने दिखाई थी हमको MWC शांघाई में, अब सैमसंग में शायद आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप स्क्रीन पर हाथ रखेंगे और उसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर रहेगा डिस्प्ले के अंदर, और ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर को हम बोल सकते हैं। तो यही कुछ र्यूमर स्पेसिफिकेशंस थी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही एंड्रॉइड ट्रिक्स और ऐसे ही टेक न्यूज के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। I want